हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपनी हाई वाइब्रेशन को हमेशा बढ़ा रहे होंगे। आज हम देखना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, वो कौन सा सरप्राइज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और उस सरप्राइज से रिलेटेड आपको मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ हैंडमेड कार्ड्स भी हम यूज करने वाले हैं रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज देना चाहते हैं या क्या सरप्राइज आपके लिए प्लान किया जा रहा है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो एंजल नंबर है, मतलब आपके लिए जो सरप्राइज यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं बहुत ही अपकमिंग फ्यूचर में आपको जो यूनिवर्स की तरफ से सरप्राइज मिलने वाला है उसमें एंजल नंबर आपकी मदद करेगा आपको उस सरप्राइज को डिकोड करने में। दैट मीन जो आपको रिसेंटली एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो यूनिवर्स के सरप्राइज प्लान का हिस्सा होंगे। यूनिवर्स का जो सरप्राइज आपके लिए है उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई एंजल नंबर स्पेसिफिक दिखाया जाएगा और वो एंजल नंबर यहाँ पे कंफर्मेशन है कि 1111 नंबर आपके लिए बहुत खास हो सकता है। 1111 नंबर जब आपको बार बार रिपीटेडली दिखाई दे तो ये आपके सरप्राइज प्लान से जुड़ा हुआ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उस सरप्राइज प्लान से जुड़ा हुआ है। और यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, अगेन एक और एंजल नंबर है 1212। मुझे बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ फील हो रहा था कि मिरर नंबर, अगर आपको मिरर नंबर दिखाई देते हैं जैसे 1212 हो गया, 1313 हो गया, 3434 हो गया, तो इस तरह के अगर मिरर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये भी आपके सरप्राइज प्लान से जुड़ा हुआ है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोमेंट पे जो आपके सरप्राइज प्लान से या आपके इन फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। ग्रैटिट्यूड, यानी आपकी जो विश है और आपका जो सरप्राइज है वो ग्रैटिट्यूड से जुड़ा हुआ है। आप दिन में कितनी बार ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना उतनी बार आप उस ब्लेसिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जस्टिस आपके लिए जस्टिस सर्व होने वाला है। जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं थी या आपके साथ अहित हुआ था, अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, तो आपके लिए यूनिवर्स जस्टिस प्लान कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यू आर सेफ। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर खतरा है, आप सेफ नहीं है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कोई भी एक्शन लें तो आप डरे ना क्योंकि आप पूरी तरीके से सेफ है, आप एक कवच के अंदर है। देखिए ये भी एक कवच बन रहा है तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है और यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं, हम टैरो से चेक करेंगे। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं वेरी सून आपके लिए बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज प्लान करने से पहले मैं आपको उन लोगों का नाम बताना चाहूंगी जिन्होंने सुपर थैंक्स करके चैनल को सपोर्ट किया है। अब सुपर थैंक या ग्रैटिट्यूड भी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है और इससे हमारी लाइफ में वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होती है, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है। कैसे, जब आपको बहुत खुशी महसूस होती है, जब आप देखते हैं कि आपके आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, आप बहुत प्रफुल्लित हैं, तो उस वक्त अगर आप किसी को चैरिटी करते हैं, सुपर थैंक्स करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं या किसी को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो आप डिवाइन को एक वाइब्रेशन सेंड करते हैं, यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं और वही पॉजिटिव वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिवर्स आती है। तो अगर आप बहुत खुश होकर किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आगे कोई और आपको अप्रिशिएट करने के लिए खड़ा हुआ है। आप किसी को सुपर थैंक्स करते हैं तो वही मनी रिवर्स बैक होके मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है क्योंकि आप यूनिवर्स को मनी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। पर कभी भी निराश होके नहीं, कोई भी चैरिटी, कोई भी इस तरह का डोनेशन आप निराश होके ना करें। अगर आप निराश होके करते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता। तो उन लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूंगी जिन्होंने सुपर थैंक्स करके वर्क को, हमारे काम को अप्रिशिएट किया है और अपना आशीर्वाद भेजा है। तो इसमें है रश्मि,
उन्होंने सुपर थैंक्स किया था, तो रश्मि को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। मोनिका सरस्वती ने सुपर थैंक्स भेजा था मुझे स्पिरिचुअलिटी पे, उनको भी धन्यवाद। सुरेश अरोरा जो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं सुपर थैंक्स के जरिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आर्टिस्ट सयाली, इन्होंने भेजा था सुपर थैंक्स, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप गर्ग, इन्होंने सुपर थैंक्स किया था, इनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और सेतु भगत, इन्होंने भी किया था, तो इनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन लोगों ने अपनी वाइब्रेशन को, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को मल्टीप्लाई करने के लिए जब ये सुपर थैंक्स करते हैं तो इनकी लाइफ में वही मनी तो रिवर्स बैक आता है, साथ में वो अप्रिशिएशन, वो ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई होके आती है। अब देख लेते कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, यूनिवर्स आपको हाई प्रिस्टेस बनाना चाहते हैं नंबर टू। और कैन यू बिलीव कि जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी वहां पे नंबर टू मेरे पास जो कॉइन मुझे रिसीव हुआ उस कॉइन पे भी नंबर टू लिखा था, ये कार्ड भी नंबर टू का है। मतलब यूनिवर्स आपको हाई प्रिस्टेस बनाने वाले, यूनिवर्स का प्लान है कि आप हाई प्रिस्टेस बनाए। हाई प्रिस्टेस कौन है? हाई प्रिस्टेस वो सोल्स, डिवाइन सोल्स है जो स्पिरिचुअली जो अवेकंड है, जिनके पास सारा ज्ञान है, सारी नॉलेज है, पर वो अपनी सारी विजडम को, अपनी सारी नॉलेज को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको शो करते अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पावर्स। बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड, बहुत ज्यादा रिलैक्स और बहुत ज्यादा अवेकंड सोल्स होती हैं। तो यूनिवर्स आपको हाई प्रिस्टेस बनाने जा रहे हैं। देखिए, जहां पे आपके पास नॉलेज है, जहां पे आपके पास ज्ञान है, जहां पे आपके पास ईश्वर का कृपा है, शक्ति है, आशीर्वाद है, और आपको ये पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और नंबर टू ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो मन है वो पूरी तरीके से शांत होने वाला है। आपके मन को प्रसन्न करने वाली ऊर्जा आपको एज अ सरप्राइज प्लान में मिल रही है। द हाई प्रिस्टेस एक ऐसा पर्सन जिसके पास सारी विजडम, सारी नॉलेज उसके पास है, उसे बाहर से कहीं से सलाह की जरूरत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति यूनिवर्स आपको हाई प्रिस्टेस बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है आपके लिए। ये यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हाई प्रिस्टेस बने। आपके पास पावर्स होंगी पर आप उस पावर को छुपा के रखेंगे, लोगों को पता होगा आप खास है, आपके पास कुछ पावर है, आपके पास नॉलेज है, पर वो आप उन्हीं को देंगे जो बहुत आपको ऐसा लगेगा जिनको इसकी जरूरत है। आप उसे सबके सामने शो नहीं करने वाले हैं। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? यूनिवर्स आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं हार्मनी। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपने होम टाउन विजिट करें, कोई ऐसा प्लेस जहां पे आपको बहुत ज्यादा गांव की वाइब्रेशन फील होती है, विलेज, एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल जो विलेज होता है, आप ऐसी जगह पे विजिट कर सकते हैं। आप अपने बहुत सारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं या आपके कजन्स हैं, इनके साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट उनके फैमिली से कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आपका कोई ऐसा केस था या आपका कोई प्रॉपर्टी है जो आपके सेकंड पीढ़ी से आता है, जो आपकी पास्ट जो पीढ़ी है वहां से आता है, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो सकती है। या एज अ गिफ्ट आपके जो पितर है वो चाहते हैं कि एज अ गिफ्ट आपको जो कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको दी जाए। तो कुछ लोगों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मैसेज है जो यूनिवर्स सरप्राइज प्लान कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली ये कोई गिफ्ट हो सकता है, प्रेजेंटली अभी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है और आप बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ। आप एक बहुत अच्छी मीटिंग कर सकते हैं, ये सरप्राइज होगा, आपने प्लान नहीं किया, ये कुछ अचानक से होगा। यहाँ पे दो कार्ड अपने आप आए हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि अब आप बहुत ज्यादा
यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे दो मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं, एक तो ये कि आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी काम की नई शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं, जिसमें आपको करके बहुत मजा आता है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी पे आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो यू हैव टू वॉच कि कौन आपके विश्वास पात्र है कौन नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा शो करे, पर देखिए वो आपके पीठ पीछे वेपन लेके खड़े हुए हैं, वो हथियार लेके खड़े हुए हैं आप पे वार करने के लिए। वार करने का मतलब क्या है कि वो आपके पीठ पीछे आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, आपके लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कुछ साजिश कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, इस तरह की चीजें, मैनिपुलेटिंग चीजें आपके लिए, जिससे आपके लिए पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है जहां पे आपकी इमेज खराब की जाए, आपका प्रमोशन रोका जाए, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, और ये जो पॉलिटिक्स है ये थॉट्स की है, ये उनके माइंड की है, ये उनके माइंड में जो बातें चलती हैं और जो शब्द है इसकी पॉलिटिक्स है। ओके, और यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ वॉर्ड्स, ये यूनिवर्स का सरप्राइज है कि यूनिवर्स आपको चांस देने वाले हैं जहाँ पे आप कोई नई शुरुआत करेंगे, ये आपके काम से रिलेटेड है, कुछ ऐसी शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको केयरफुल ये रहना है कि कुछ लोग आपके इस काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। यूनिवर्स हमारे डिवाइन सोल्स को क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, क्या वो सरप्राइज है? यूनिवर्स जो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं वो ये है कि यूनिवर्स आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज अभी आपको रिसीव हुआ है, चैनल हुआ है। कोई है जो आपको हार्म करना चाहता है, कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई है जो आपको दिल तोड़ना चाहता है, आपका दिल तोड़ना चाहता है। और ये हर्ट ब्रेक कैसा है, शब्दों से, किसी के शब्द जो तीर की तरह दिल पे चुभ जाते हैं और वो पूरा जीवन दर्द देते हैं। जैसे अगर आपको सच में कहीं पे कोई कट हो जाता है या चोट लगती है तो वो फिल हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, पर जो शब्द हैं वो हमेशा चुभते हैं। तो कोई अपने शब्दों से, अपनी पॉलिटिक्स से आपको दुख देना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर यूनिवर्स आपको अभी से सेव कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हाई प्रिस्टेस बना रहा हूं, तुम्हारे पास सारी विजडम, सारी नॉलेज होगी, तुम्हें इंट्यूशन आ जाएगा कि इस व्यक्ति पे मुझे विश्वास करना चाहिए और इस व्यक्ति पे मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों व्यक्ति आपके पास हैं, एक विश्वास पात्र है और एक जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। यिंग यांग दोनों एनर्जी आपके पास होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इविल और डिवाइन दोनों एनर्जी आपके इर्द गिर्द होंगी। और आपको ये पता भी होगा किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं, क्योंकि आपका जो मून है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, थॉट्स बिल्कुल क्लियर है। यूनिवर्स आपको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ब्लेसिंग, कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं, आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, पर इन सब सरप्राइज में कोई पर्सन है जो आपको हार्म करना चाहते हो। यूनिवर्स इस टैरो रीडिंग को आप तक इसीलिए लेके आए हैं कि आपको अवेयर रहना है, ये उनके शब्द हैं, ये उनका षड्यंत्र है जो आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर आपको अवेयर रहना होगा। ये आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे जो सरप्राइज का अगला मैसेज है ये अगेन नंबर 6 का है, और यहाँ पे भी हमारा नंबर 6 का कार्ड आया था। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स का जो सरप्राइज है वो आपको हार्मनी, आपकी लाइफ में हार्मनी, आपकी लाइफ में खुशियां लाने का है, यानी यहाँ पे एक गिफ्ट, और दूसरा आपकी लाइफ में यहाँ मुझे भरपूर एक स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल लव की एनर्जी आते हुए दिख रही है। ये यहाँ पे दो सिनेरियो में ये कार्ड हमें दर्शाता है, एक तो आप अपने काम को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, अपने काम को ही अपना प्रेम बनाने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके लाइफ में जो अभाव था प्रेम का वो पूरा होने वाला है, आपकी लाइफ में डिवाइन लव प्रोस्पैरिटी के साथ भरने वाला है, यानी प्रेम की समृद्धि आपको डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ एज अ सरप्राइज प्लान होने वाली है, यानी परफेक्ट मैच, बिल्कुल आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, और अगर मिल चुके हैं तो इनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। ये यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है, यहाँ पे एंजल्स दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। जो डिवाइन फैमिलाइन है वो पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर
आश्रित है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है और यही कारण है कि डिवाइन एंजल अब इन दोनों ट्विन फ्लेम को, इन दोनों सोलमेट को एक साथ लेके आ रहे हैं उनको बिल्कुल कंप्लीशन की एनर्जी में लाने के लिए। और यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए एक जो अगला मैसेज है वो ये है कि यूनिवर्स आपको मौका देने वाले हैं कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का। ये उनके सरप्राइज प्लान का हिस्सा है। आपकी जो कम्युनिकेशन है अब वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। यूनिवर्स और क्या सरप्राइज देना चाहते हैं हमारे डिवाइन सोल्स को, यूनिवर्स क्या सरप्राइज देना चाहते हैं हमारे डिवाइन सोल्स को, आप 12:12 जरूर टाइप करें। सरप्राइज एंड सरप्राइज। ओके सर, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। नंबर 7 of cups से 2 of wands। सरप्राइज मुझे ये आपके लिए मिल रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए ये सरप्राइज प्लान करे कि इस वक्त आप कंफ्यूज है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। आपके सामने बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, बहुत सारे आपके माइंड में थॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल थॉट्स के साथ आप डील कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो सरप्राइज है वो यूनिवर्स का ये है कि आपको प्रॉपर ऑप्शन मिलेगा और आप सही ऑप्शन चूज करने वाले। अभी आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन या चॉइसेस हैं या कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सारा कॉन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला है। आप 2 of wands की एनर्जी में आने वाले हैं और आप सही डिसीजन लेंगे जिसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग और सक्सेस होगी। मतलब आपके सामने दो चॉइसेस हो सकती हैं यहाँ पे भी, एक को आप बैकअप में रखेंगे इन केस के लिए और एक को जिसको अभी आप चूज करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए मुझे करियर ओरिएंटेड ये चॉइस दिख रही है जहाँ पे आप करियर में सही प्रैक्टिकल चॉइस लेने वाले हैं। और इसके लिए आपको हो सकता है ट्रेवल करना पड़े, अपने घर से बाहर निकलना पड़े, पर आप जो भी चूज करने वाले हैं ना इसका बेनिफिट आपको होने वाला है और ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग है। एक और मैं आपके लिए मैसेज यहाँ पे हैंडमेड कार्ड से लेना चाहूंगी। एक मैसेज आपके लिए हैंडमेड कार्ड से। ओके सो यहाँ पे आपके लिए है सनराइज। मतलब जैसे ही आप सही ऑप्शन का चूज करेंगे आपकी लाइफ में सनराइज होना शुरू हो जाएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। 12:12 टाइप करें क्योंकि मिरर नंबर में आपके सरप्राइज प्लान का कोई हिस्सा छुपा हुआ है। मुरिता स्पिरिचुअलिटी का पार्ट बने। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।